गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ संख्या 5 आओ धरती को महंगाई पढ़ेंगे। इस कविता में जो है परोपकार की भावना के बारे में बताया गया है और मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना को जगाना इस कविता का उद्देश्य है। इस काव्य में प्रकृति के तत्व हैं फूल, सूरज, दीपक की बात, यानी फूल, सूरज और दीपक की बात इसमें कही गई है। और फूल हमेशा क्या करता है, मुस्कुराता रहता है और सबको क्या देता है, खुशबू देता है, महक देता है। सूरज अपना प्रकाश जो है वो उस धरती पर फैलाता है और दीपक खुद को जलाकर जग को रोशन करता है। इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी किसी भी परिस्थिति में जो है प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर और स्वच्छ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें देखते हैं हम, पहले इसको दो बार रीड करेंगे। बगिया के इस फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस रहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरातल आती है, अंधकार जलता है तो रोशन जग को करता है और जब अंधकार सूरज डूब जाता है तो अंधकार
परोपकार करता है, दीपक भी परोपकार करता है, फूल भी परोपकार करता है, सूरज भी परोपकार करता है, और यहाँ पर दीपक भी परोपकार करता है। परोपकार मतलब दूसरे को कर, दूसरे के जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको परोपकार कहते हैं। आओ हम भी इंसान होकर, आओ मतलब जो कविता है, कवि कवि है, वो क्या होता है, बता रहा है, आह्वान करता है कि आओ हम भी इंसान बनकर, मतलब इंसान तो है नहीं, लेकिन इंसान का जो कर्म क्या है, अच्छे और सच्चे राह पर चलना। इंसान का कर्म क्या होता है, अच्छे और सच्चे राह पर करना, सबको सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना, और जो है तो जग में अपना नाम करना कमाना, यानी संसार में जो है अपना नाम कमाना, नाम कमाना मतलब यहाँ पर फेमस होना, प्रसिद्धि पाना। हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परोपकार करते हैं, जैसे महात्मा गांधी थे और दयानंद सरस्वती जी और महर्षि विद्यासागर वगैरह, ये सब क्या थे, वो परोपकारी थे, यानी परोपकार का काम करते थे। तो इस तरह से उन्होंने भी अपना नाम कमाया और फेमस हुए, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी नाम कमाना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करके। कैसे काम करके नाम कमाएंगे हम, अच्छे और सच्चे काम करेंगे, अच्छे और सच्चे काम, अच्छे सच्चे काम का मतलब होता है कि हम दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं और प्यासे को पानी दें, और जो अनाथ हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या खाना खाना पीना नहीं है, रोटी नहीं है, इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें जरूरत की चीज़ें जो है उनकी जरूरतमंद लोगों को देकर उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम मदद करेंगे और जब सभी खुश हो जाएंगे, सभी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो सारी दुनिया जो है, सारी धरती क्या हो जाएगी, महकने लगेगी, मतलब कोई भी दुख तकलीफ में नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, और जो है धरती फिर सुंदर हो जाएगी, सारा जग सुंदर हो जाएगा। यही इस कविता का सार है कि आदमी को क्या करना है, इंसान को क्या करना है, परोपकार करना है, जैसे सूरज बाघ और दीपक करते हैं, इस तरह से हमें भी क्या करना है, दूसरों की मदद करनी, यही इस कविता का सार है, कहने का उद्देश्य है। अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं, बगिया बगीचा, बाग गार्डन, अंधकार अंधेरा, धारा अंधकार की, और दीपक की लैंप, हरदम हमेशा, वालिस महक सुगंध, रोशन उजाला, अंतर दिल या हृदय, मुहावरा है इसके, मुहावरा आया है जिसका नाम है जब में अपना नाम कमाया, नाम कमाना मतलब प्रसिद्धि पाना, फेमस होना। समानार्थी शब्द है इसके, समानार्थी शब्द में पुष्प रवि, पुष्प फूल कुसुम कुसुम, रवि यानी सूरज सूर्य, भूमि धरती धरा, मानव इंसान या मनुष्य, दिया दीपक या दीप। इस तरह से आपको ये चैप्टर, इसको आप लिख लीजिएगा और आशा करती हूँ कि आपको ये